हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के टॉप 10 एक्सपेक्टेड सवाल, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जो दोस्त अभी तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो लिखे हैं वो इंग्लिश में लिखे हैं, बट मैं इसको कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस जो मुझे मेरे पास अभी बचे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस थे वो मैं करा चुका हूँ हिंदी लैंग्वेज में, तो ये इंग्लिश से पहले हिंदी में बदलो, फिर टाइम बहुत लगता है और टाइम की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, बट इसको मैं हिंदी में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है ए शॉपकीपर बोट आर्टिकल इन ₹450। एक शॉपकीपर है जिसने आर्टिकल खरीदा 450 रुपये में। ही लेबल्ड इट 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइज, और उसने उसके प्राइस जो रखे हैं 450 में खरीदा और 20% बढ़ाकर उसके प्राइस रखे हैं, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस थी उस पर 20% बढ़ाकर उसने उसके प्राइस उस पर लगाए हैं। इफ़ ही सोल्ड द आर्टिकल इन ₹496.80, अगर उसने उस आर्टिकल को 496.80 में बेच दिया, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय हिम, तो हमें बताना है कि उसने कितना डिस्काउंट दिया है उस प्रोडक्ट पे, ठीक है, जो उसने खरीदा था। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, इतने का उसने खरीदा, 20% प्राइस बढ़ा के रखे और इतने में उसने बेच दिया, पूछा जा रहा है कि कितने का उसने डिस्काउंट दिया। तो हमें पता है 450 की चीज़ पे जब हम 20 रुपये बढ़ाएंगे तो 450 तो भाई 100% के इक्वल होगा और 20% हमें इसके बढ़ाने हैं, तो क्या करना है, 450 को 100 से तो डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 120 से, क्योंकि हमें 20% बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा ये 540, यानी कि उस पर जो MRP रखा था उसने 20% बढ़ाकर वो रखा था 540। उसने सेल कितने में किया, 496.80 में, तो उसने इतने में उसको सेल कर दिया, तो कितने कम में सेल किया, 43.2, इतने का उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि इतने कम पे सेल किया तो इसका मतलब इतने का डिस्काउंट दे दिया। तो अब सीधा सीधा हमें ये परसेंटेज में बदलना है, ये डिस्काउंट जो है ना ये परसेंटेज में बदलना है। वो कैसे बदलेंगे, आप ये सोच के देखिए कि मैं 540 पर अगर कोई भी डिस्काउंट दूंगा तो क्या करूंगा, 540 यहाँ पे कोई डिस्काउंट परसेंटेज होगी उसको निकालूंगा तो वो 43.2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस मैंने बिल्कुल वैसे ही बना लिया जैसे ये हमें निकालना था, तो यहाँ पे 43.2 मैंने इसको इक्वल करके लिख लिया, तो ये एक्स की वैल्यू आपको बस अब निकालनी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये 540x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो या फिर हम एक्स को एक साइड में ले लेते हैं, 43.2 इंटू कर लेंगे 100, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कितना आ जाएगा 540, तो 43.2 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 432, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 54 से, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा 8 टाइम, यानी कि 8% का उसने डिस्काउंट दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बिकॉज मैंने कम्प्लीटली इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट में बोला जा रहा है अरुण मार्क अप द कंप्यूटर ही इज सेलिंग बाय 20% प्रॉफिट एंड सेल्स दैम एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, अरुण नेट गेन परसेंटेजेस। यहाँ पे बोला जा रहा है अरुण ने एक कंप्यूटर के प्राइस रखे 20% बढ़ाकर, जिसमें उसने 15% का डिस्काउंट दिया, बाद में पूछा जा रहा है कि अरुण ने नेट कितना परसेंट गेन किया, कितना परसेंट उसने प्रॉफिट कमाया सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्या पता होता है कि जो CP होती है हमें 100% होती है, ठीक है, CP हमारी 100% है। अब इसको आप 20% बढ़ा के लिखेंगे तो MRP आपकी 20% बढ़ा के लिखी जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 120, 100 का 20% निकालेंगे तो 120 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है 15% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, जब आप 120 पे 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, वो 18 आएगा, ठीक है। 120 का आप 15% निकालेंगे जो कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे 120 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, यानी कि उसने 100 रुपये की चीज़ को 102 में बेच दिया, तो नेट कितना गेन किया उसने, 2% का,
यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही रिसेंटली अभी आपका पूछा गया था, या तो ALP में या ग्रुप डी में, कोई से भी एक एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज स्पीड से। इसमें बोला जा रहा है अ बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बोला जा रहा है एक लड़का है जो कि बाइसिकल से कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई राइड कर रहा है, उसमें 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर किया, फिर नेक्स्ट अगेन ट्रेवल 5 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगली 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर किया। पूछा जा रहा है हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, उसके पूरे रास्ते में उसकी जो एवरेज स्पीड रही है वो आपको बतानी है। अब एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट दो तरीके का है, दो तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, वो कंडीशन भी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला मेथड यहाँ पे लगाना है या दूसरे वाला लगाना है, तो मैं दोनों क्लियर कर दूंगा आपको यहीं पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप समझ गए ना, इसमें बोला जा रहा है कि 10 किलोमीटर की तो डिस्टेंस उसने कवर किया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, नेक्स्ट 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाना है, टोटल डिस्टेंस पूरी दूरी और डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, आपको टोटल डिस्टेंस तो पता है, टोटल टाइम नहीं पता है, वो आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहली बात। ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये कब लगेगा, ये जब लगेगा जब इस जो आपकी चाल है वो भी अलग अलग है और जो आपकी डिस्टेंस है वो अलग अलग है। यानी कि यहाँ पे 10 किलोमीटर वो कवर कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, नेक्स्ट 5 किलोमीटर कवर कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बट एक फॉर्मूला होता है आपका 2x मल्टीप्लाई, मतलब कि x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपका अप्लाई कब होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई तब होता है आपका जब दो सेम डिस्टेंस, यानी कि 10-10 किलोमीटर की दो सेम डिस्टेंस को कवर किया जाता अलग अलग स्पीड से। तो तब आप क्या करते, ये x हो जाता, ये y हो जाता। तो आप क्या करते, 2 मल्टीप्लाई 10 इंटू सॉरी यहाँ पे ये वाली जो चाल अलग अलग होती है, ये x हो जाती है, y हो जाती, तो दोनों चाल को अलग अलग मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन में 5 प्लस 10। ये फॉर्मूला तब लगता जब डिस्टेंस आपकी सेम रहती, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। बट जब डिस्टेंस अलग अलग होती है तब आपको ये अप्लाई करना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, अब टोटल टाइम हमें नहीं पता है तो उसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा होता है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए चाल से। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आवर, यानी कि 2 घंटे में ये इतनी यहाँ से यहाँ तक कवर किया, फिर 5 को 10 से डिवाइड करेंगे यानी कि हाफ आधा घंटा, तो 1/2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो टोटल कितने घंटे उसने कितना टाइम लिया, 5/2 घंटे उसने लिया टोटल टाइम। कितने डिस्टेंस है, 10 और 5 15, यानी कि हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 को डिवाइड करेंगे 15/2 से, तो कितना आ जाएगा, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 15 इंटू 2 और 5 से 15 जाएगा 3 टाइम, 3 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6, तो आपका 6 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड, औसत स्पीड आपकी आ जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी में ही एक टाइप और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर। पूरा हिंदी में बताऊंगा, एक आदमी ने 600 किलोमीटर की दूरी को कवर किया है ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 800 किलोमीटर की दूरी उसने कवर की है शिप से, जहाज से, पानी के जहाज से, और वो किस किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर की है। अगली 500 किलोमीटर की दूरी उसने एरोप्लेन से कवर की है जो कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है। नेक्स्ट उसने 100 किलोमीटर की दूरी कार से कवर की है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है। यहाँ पे पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। यहाँ पे उसने बहुत सारी जर्नी कवर की है, जिसमें उसने सबसे पहले ट्रेन से कवर की 600 किलोमीटर जिसमें उसकी स्पीड रही 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा उसने शिप से कवर की जिसमें 800 किलोमीटर की दूरी उसने कवर की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, नेक्स्ट उसने 500 किलोमीटर की दूरी को कवर किया 400 किलोमीटर प्रति घंटा एरोप्लेन से, नेक्स्ट उसने 100 किलोमीटर की दूरी कवर की है कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब यहाँ पे भी हमें वही करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस सबसे पहले सारी डिस्टेंस को प्लस कर लीजिए, 600, 800, 500 और 100, इन सभी को प्लस करें कितना हो जाएगा 2000 किलोमीटर। ठीक है, इन सभी को
कवर करने में अलग अलग चाल लगी है, तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अलग अलग ही टाइम आएगा। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस कवर की है उसी की चाल से डिवाइड कर देंगे, तो 7.5 किलोमीटर पर सॉरी 7.5 आर आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 20 आवर्स, ये हो जाएगा 500 को डिवाइड करेंगे 400 से 1.25 आवर्स, यहाँ पे 100 को डिवाइड करेंगे 50 से तो 2 आवर्स ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हम प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें पता चलेगी 2000 किलोमीटर है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 30.75 ठीक है आवर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पे ऊपर 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये अब कट जाएगा 25 से 4 बार और ये कट जाएगा 123 बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8000, 4 की 2 में करेंगे तो 8000 को डिवाइड करेंगे 123 से, तो कितना हो जाएगा 65 सही 5/123 किलोमीटर पर आवर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, डरिएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन होता बहुत सिंपल है बट देखने में ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी अलग अलग डिस्टेंस कवर की, अब एवरेज स्पीड पूछ ली जा रही है तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगता, बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम पाइप एंड सिस्टम के, ये भी अच्छा चैप्टर है और हर एक एग्जाम में वेटेज रखता है। यहाँ पे दिया गया है टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 6 मिनट एंड 7 मिनट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो पाइप है ए और बी जो कि एक सिस्टम को भरते हैं 6 और 7 मिनट में रेस्पेक्टिवली, बोथ द पाइप आर ओपन, दोनों पाइप को ओपन किया जाता है अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच, यानी कि दो पाइप ओपन किए जाते हैं अल्टरनेटिवली, बारी बारी खोले जाते हैं ठीक है, यानी कि पहले ए खोला जाएगा फिर बी खोला जाएगा फिर ए खोला जाएगा फिर बी खोला जाएगा, इस तरीके से वर्क करा जाता है। इन व्हाट टाइम विल दे फिल द सिस्टम, तो पूरा कितना टाइम लेंगे एक सिस्टम को भरने में ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही जल्दी कर लेंगे सभी बच्चे, बट एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ, ए यहाँ पे 6 मिनट में भर रहा है, बी यहाँ पे 7 मिनट में भर रहा है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 42 यहाँ पे टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगी, उस टैंक की कैपेसिटी है 42 यूनिट ठीक है, 42 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ए जो पाइप है यहाँ पे 7 यूनिट भरता है पर मिनट, और यहाँ पे 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बी पाइप भरता है यहाँ पे 6 यूनिट पानी 1 मिनट में, दोनों को प्लस करेंगे तो 13 यूनिट पानी हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 13 का एक पहाड़ा ऐसा पढ़ना है क्योंकि अल्टरनेटिवली है ना, क्योंकि अगर हमें इनसे कराना हो तो दोनों को मिला के वर्क, तो दोनों मिला के 13 यूनिट वर्क 1 मिनट में कर सकते थे, बट अब ये 13 यूनिट वर्क हमें 2 मिनट में कराना है, 1 मिनट ए करेगा फिर ए नेक्स्ट मिनट बी करेगा, तो इसी तरीके से दो इनको मिला के 2 मिनट मतलब लग जाएंगे इस 13 यूनिट वर्क को करने में। तो आपको क्या करना है, 42 से कम रहना चाहिए, 13 का पहाड़ा एक ऐसे पढ़ो, टेबल ऐसे पढ़ो कि 42 से कम रहे, तो कितना हो जाएगा 13 3 39 ठीक है, तो 3 हमने पढ़ लिया 39 हो गया, 3 रिमेनिंग बच गया, 42 में से माइनस करें 39 तो 3 रिमेनिंग बच गया, तो आपको क्या करना है, ये जो 3 है ना इसमें मल्टीप्लाई 2 की करिए, ये 6 मिनट में तो आपका भरा है 39 यूनिट पानी, 6 मिनट में आपका 39 यूनिट पानी भरा है। ये क्यों भरा है, क्योंकि ये मैंने जो 13 3 बोला है ना, ये आपका 1 मिनट का वर्क था, बट यहाँ पे ये जो 13 यूनिट पानी भरा जा रहा है ये 2 मिनट में भरा जा रहा है, तो इसलिए 2 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 6 मिनट में अभी आपका भरा गया 39 यूनिट पानी, और जो 3 यूनिट पानी बचा है इसको भरने कौन आएगा, ए, क्योंकि जो वर्क को स्टार्ट करता है वही भरने आता है लास्ट में, तो 6 कंप्लीट 3/7 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये टोटल टाइम लगेगा इसको भरने में ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और देख लेते हैं, अ सिस्टम इज नॉर्मली फिल इन 8 आवर बट टैंक्स अनदर 2 आवर्स लॉन्ग टू फिल बिकॉज ऑफ लीक इन इट्स बॉटम, इफ द सिस्टम इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन, यानी कि एक जो सिस्टम है वो नॉर्मली 8 घंटे में भर जाता है, बट उस सिस्टम में एक टैंक मान लीजिए, बोल लीजिए कि एक टैंक में नीचे छेद हो जाता है और उस लीकेज की वजह से, उस छेद की वजह से ये 2 घंटे और ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देता है ठीक है भाई, ये 2 घंटे ज़्यादा लेता है, लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ लीकेज ठीक है भाई, 8 घंटे में भर रहा था इसका मतलब 2 घंटे ज़्यादा लेगा, इसका मतलब 10 घंटे में भरना स्टार्ट हो जाएगा उस लीकेज की वजह से। इफ़ द सिस्टम इज़ फुल, अगर टैंक भरा हुआ है तो वो लीकेज जो है वो कितनी देर में खाली कर देगा पूरे टैंक को, तो बहुत ही सिंपल है, ए पाइप उसको 8 घंटे में भर देता है, तो ए और बी पाइप कौन सा इसमें खाली करने वाला उस छेद को, या बी बोल लीजिए आप, वो छेद जो है उसको मैंने बी नाम दे दिया, और वो छेद जो है वो लीकेज जो है वो उसको 2 घंटे ज़्यादा लगा देता है भरने में, जब वो स्टार्ट हो जाता है मतलब उसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो 10 घंटे लगते हैं उसको भरने में लीकेज की वजह से,
दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया 40, 40 को 8 से डिवाइड किया 5 और 40 को 10 से डिवाइड किया 4, यानी कि ए भरता है अकेला 5 यूनिट पानी, जब ए और बी मिलके यानी कि जो लीकेज वाला पाइप है दोनों को मिला दिया जाता है तो एक घंटे में आपका 4 यूनिट पानी भर पाता है। तो जो लीकेज है वो हर एक घंटे में एक यूनिट पानी निकालते हैं, 5 से 4 हो गया इसका मतलब एक यूनिट पानी निकलेगा ना, हर एक घंटे में एक यूनिट पानी निकलेगा तो 40 यूनिट पानी को निकालने में कितना समय लगेगा, 40 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो 40 मिनट लगेंगे, 40 मिनट या 40 आवर्स, 40 घंटे होंगे, ठीक है 40 घंटे होंगे यहाँ पे, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारा घंटे पे ही चल रहा है ना, तो ये आपका 40 घंटे हो जाएंगे, 40 आवर्स हो जाएंगे आपका राइट आंसर, यही आपसे पूछा गया था। ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न सेपरेटली 24 मिनट एंड 40 मिनट रेस्पेक्टिवली। अ वेस्टेज पाइप कैन ड्रेन ऑफ 13 लीटर पर मिनट इफ़ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन द सिस्टर्न फिल इन 1 आवर द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज। यहाँ पे अभी देखिए बहुत ही मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, बट इतना आसान क्वेश्चन आपको लगने वाला है जब मैं इसको कराऊंगा। यहाँ पे बोला जा रहा है ए पाइप इसको 24 मिनट में भर लेता है, तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में दिया गया ना, सबसे पहले डाटा को निकाल लेते हैं इसमें से ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ए को भरने में 24 मिनट लग रहा है, बी को भरने में 40 मिनट लग रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी, सी पाइप को तीनों को मिलाने के बाद में एक घंटा लगता है। ए वेस्ट पाइप है जो कि पानी निकालता है, तो वो हर एक घंटे में यानी कि 30 मिनट में इसको 30 मिनट में निकाल देता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए वेस्ट पाइप कैन ड्रेन ऑफ 30 लीटर पर मिनट इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन सिस्टम फिल इन 1 आवर, यानी कि 60 मिनट में भरता है जब एक ड्रेनिंग पाइप भी इसमें से निकलता है, पानी निकालने वाला भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये 60 मिनट, एक घंटे को मैंने मिनट में लिख लिया क्योंकि ऊपर के दोनों यूनिट भी आपके मिनट में हैं। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है 120, तो 120 को मैंने 24 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 यूनिट पर मिनट, और यहाँ पे 120 को 40 से डिवाइड किया तो बी एक घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है, 120 को 60 से डिवाइड किया तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर आपका 2 यूनिट पानी भरते हैं। अब आपको क्या करना है, सी कितना पूछा है, यहाँ पे दोबारा से पढ़ लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज, कैपेसिटी पूछी गई है टैंक की, तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे भाई, देखिए सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे जो वेस्ट पाइप है ना उसका हमें मुझे पता है कि वो 30 लीटर पानी हर एक मिनट निकालता है, तो और उसका जो यहाँ पे रेशो आया प्रति मिनट का कितना यूनिट पानी निकालता है, 30 मिनट में तो पूरा 30 लीटर पानी निकाल सकता है, बट एक मिनट में कितना पानी निकालता है वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रति जो यूनिट पानी निकालना है, लीटर नहीं यूनिट पानी, क्योंकि हमें यहाँ पे लीटर में पता है और यहाँ पे जो 120 लिखा है ये यूनिट लिखा है, ये लीटर नहीं है ना। तो यहाँ पे इसको अगर मैं प्लस करूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 8, यानी कि 8 यूनिट पानी भरा जाता है, बट यहाँ पे ए प्लस बी दोनों भरने वाले प्लस एक खाली करने वाला जब लगा दिया जाता है तो केवल 2 यूनिट पानी भर पाता है। इसका मतलब अगर मैं इस 8 में से 2 को माइनस कर दूँ तो सी की कैपेसिटी आ जाएगी निकल के, तो सी हर एक मिनट में 6 यूनिट पानी खाली करता है, 6 यूनिट पानी, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 30 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा और ये जो हमारी कैपेसिटी है टैंक की उससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम और 5 की 120 में करेंगे तो 600 लीटर हो जाएगा। ये 600 लीटर जो आया ये आपका टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ईजिली आपकी समझ में आ भी गया होगा। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है समझ में आए तो आपने वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा अभी आपके लिए रिविजन वीडियो, तो आप उनको देखते रहिए। और इन सभी वीडियोज़ की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, टॉपिक स्टडी सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें बहुत सारी PDFs ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।